हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वरुण। ये मैम आई हुई मेरे पास, आप देख सकते हैं इनकी स्पाइन की डिस्क बल्ज की सर्जरी हुई हुई है। बहुत सारे लोग डिस्क बल्ज की सर्जरी करा के मेरे पास आते हैं और उनको आराम नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता आराम? क्योंकि डिस्क बल्ज की सर्जरी के बाद, डिस्क काटने के बाद पेशेंट के सिम्टम्स जाते ही नहीं। क्योंकि सिम्टम इसलिए नहीं जाते कि डिस्क बल्ज की वजह से पेन आ ही नहीं रहा था, पेन का कारण कुछ और ही था। फिर भी पीरिफॉर्मिस मसल के अंदर टाइटनेस थी या लैमिनास गड़बड़ कर रहे थे। डिस्क डॉक्टर ने काट दी, लेकिन पेशेंट की आप देख सकते हैं पूरी अलाइनमेंट आउट है। ये देखिए आप, नर्वोस्कोप की नीडल जीरो पे रहनी चाहिए। ये FDA अप्रूव्ड नर्वोस्कोप है, हमने यूरोप से इंपोर्ट करा हुआ है। और देख सकते हैं आप, पूरी नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ये देखिए आप, पूरा नर्वोस्कोप में डिफ्लेक्शन है। तो इसका करेक्शन करने के लिए मेन यही है कि अब हम लोग इनको, ये पूरा देख सकते हैं आप, ये जो कट है ये सीमेंट की परत की तरह बन गया है। अब ये जाके नीचे नर्व्स को दबा रहा है।